अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस बंद कर रहा है या फिर अपना प्रोफेशन बंद कर रहा है, तो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो अपना बिजनेस या फिर प्रोफेशन बंद कर रहा है, तो उस ईयर में वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो वो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है, दैट इज असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कि अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस या प्रोफेशन क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है, यानी कि उसी को बंद कर रहा है, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो असेसमेंट का मतलब हम यहाँ समझते हैं, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। अगर मैं सिंपली बात करूं कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि टोटल इनकम और उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये चीज क्या करना, कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, क्या होता है असेसमेंट। इसमें जो एसेसी होता है ना, वो अपनी टोटल इनकम जो कि आपकी क्या है, टैक्सेबल इनकम, जिस पर टैक्स लगेगा और उस पर कितना टैक्स लगेगा, अपनी टैक्स लाइबिलिटी वो खुद असेस करता है, यानी कि वो खुद डिटरमाइन करता है कि मेरी टोटल इनकम ये है और इस इनकम पे टैक्स कितना लग रहा है, वो खुद से क्या कर रहा है, असर्टेन कर रहा है। तो इसे आप क्या बोलते हो, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में जो असेसी होता है वो खुद फाइंड आउट कर रहा है कि मेरी टोटल इनकम ये है और इस पर टैक्स कितना लग रहा है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, आईटीआर फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, जिसके अंदर आईटीआर क्या होता है, एक ऐसा परफॉर्मा होता है जिसके अंदर असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, डिडक्शन उसने एटीसी से लेके एटीयू तक कौन कौन सी क्लेम कर रखी है, फिर उसके बाद टोटल इनकम शो की जाएगी, उसके टैक्स उसमें मेंशन होगा कि इतना उसका टैक्स बनता है, कोई एडवांस टैक्स है या फिर कोई टीडीएस है, तो वो सारा का सारा आईटीआर में क्या होगा, वो मेंशन होगा उस परफॉर्मा में। फिर उसके बाद क्या होता है, जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, आगे फर्दर प्रोसेस करेगा उसको, ठीक है। मेन यहाँ पर डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब होता है कंप्लीट सेसेशन ऑफ बिजनेस, कंप्लीट सेसेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो आपका बिजनेस है वो आप पूरी तरह से उसको क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। आप जो अपना बिजनेस या फिर अपना जो प्रोफेशन आप चला रहे हो ना, आप उसको कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से उसको क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। एग्जाम्पल से हम डिसकंटिन्यूड बिजनेस को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप के केस में हमने पढ़ रखा है कि एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या था कि जो फर्म है ना वो अपना बिजनेस कंटिन्यू चला रही है, मतलब वो फर्म अपना बिजनेस कर रही है, क्या किस चीज में चेंज आया, जो उनका आपस में पुराना जो ओल्ड एग्रीमेंट था, जो पार्टनरशिप डीड थी पार्टनर्स के बीच में, वो क्या हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो उनका ओल्ड एग्रीमेंट था वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट आया, या फिर आपस में उनके पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस आए हैं। तो इस केस में क्या था कि फर्म अपना बिजनेस तो कंटिन्यू चला रही है ना, फर्म तो बिजनेस रन कर रही है अपना, क्या चेंज आया, जो उनके बीच में एग्रीमेंट था जिसमें टर्म्स कंडीशन मेंशन थी, जो उनकी पार्टनरशिप डीड थी उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, इसको आप डिसकंटिन्यू बिजनेस नहीं कहोगे। सेकेंड मैं लूँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें क्या था कि फर्म अपना बिजनेस ही क्लोज कर रही है, उसने अपनी एसेट जो थी वो सोल्ड कर दी, वहां से जो अमाउंट रियलाइज हुआ उसकी वो क्या करेगी, पेमेंट करेगी, उसको लाइबिलिटीज पे करेगी, फर्दर जो बैलेंस उसका बचा वो किसका हो जाता था, पार्टनर्स के, उनको उनके बीच में वो क्या हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म अपना बिजनेस बंद कर रही है, क्लोज कर रही है, तो आप इससे क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सेकेंड केस हम लिखते हैं कि लेट सपोज एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये कौन है, मिस्टर एक्स।
मिस्टर एक्स तीन प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ये ए, ये बी और ये प्रोडक्ट है सी। मिस्टर एक्स को ना प्रोडक्ट बी से क्या हो रहा है, लॉस, अनप्रॉफिटेबल है। अगर वो बी में डीलिंग करता है तो वो उसे क्या दे रहा है, लॉस। ए और सी उसके सही चल रहे हैं, बट बी से उसे क्या हो रहा है, लॉस। तो वो ये सोचता है कि मैं अपना प्रोडक्ट बी जो है ना उसका बिजनेस बंद करूं, और वो प्रोडक्ट बी में डीलिंग नहीं कर रहा। तो इसको आप डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस नहीं मानोगे, इट इज नॉट द केस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस। क्या कंक्लूजन निकल के आया, अगर कोई पर्सन है, अगर वो अपने किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को ड्रॉप कर रहा है, वो उसमें ट्रेड नहीं कर रहा, तो वो आप डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस नहीं मानोगे। अगर किसी भी आप पर्टिकुलर यूनिट को ड्रॉप कर रहे हो, चाहे वो आप परमानेंट ड्रॉप कर रहे हो या टेम्परेरी पर्पस के लिए, उसको आप डिसकॉन्टिन्यूड नहीं मानोगे। डिसकॉन्टिन्यूड में क्या है कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस आप क्या कर रहे हो, उस केस में बंद कर रहे हो। एचयूएफ के केस में क्या है, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी। इन्होंने क्या कहा कि अगर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें कर्ता क्या होता हैड होता है फैमिली का, अगर एचयूएफ अपने बिजनेस का एक भी बार क्या कर दिया, उसने पार्टीशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, बंटवारा कर दिया, तो वो आप क्या मानोगे कि बिजनेस क्या हो गया, डिसकंटिन्यूड हो गया, भले ही वो सेम प्रीमिसेस पे उसी ही जगह पर अपना वही बिजनेस रन कर रही हो। अगर एचयूएफ ने अपने बिजनेस का एक भी बार क्या कर दिया, पार्टीशन हो गया ना, उनके बीच बंटवारा हो गया एक भी बार, तो वो आप क्या मानोगे कि बिजनेस क्या हो गया, डिसकंटिन्यू। क्लियर है यहां तक? अब हम लेते हैं सेक्शन 176। 176 ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन क्या कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, असेसमेंट करेगा। असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, असेसमेंट करेगा। और असेसिंग ऑफिसर के पास ना डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके पास पावर कैसी है, डिस्क्रिशनरी। इसका क्या मतलब होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है ना, वो अपने सोच विचार से, मतलब सूझबूझ से, जो उसे सही लग रहा है ना, वो वैसे डिसीजन लेगा। उसके पास ये चीज की क्या है, अथॉरिटी दे रखी है कि असेसिंग ऑफिसर को जो सही लगता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग क्या लेगा, डिसीजन लेगा। तो इस केस में वो असेसमेंट कैसे करेगा, एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, सेक्शन 176 को। लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर वाई, ये इंडिविजुअल है, मैंने इसका नाम क्या रखते हैं, मिस्टर वाई। इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016, ठीक है। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी लिख लो, लेट सपोज फार्मास्यूटिकल्स का। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में ये क्या कर रहा है, अपना बिजनेस इसने रन किया, जो मेडिसिन दवाइयों का काम है इसका, ठीक है। अब मिस्टर वाई को क्या लगा कि जोन से प्रॉफिट्स मैंने एक्सपेक्ट कर रखे थे ना, कि मुझे इस बिजनेस से मुझे मिलेंगे, मुझे वो प्रॉफिट्स मुझे नहीं मिले। तो मिस्टर वाई क्या कह रहा है, उसने ये डिसाइड करा कि मुझे अपना बिजनेस क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना, मैं अपना बिजनेस क्या करूं, बंद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो मैंने प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रखे थे वो मुझे मिले नहीं, और मुझे क्या हो रहा है, अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो ये जो मिस्टर वाई है ना, ये डिसाइड करता है कि मैं अपना बिजनेस को ना 30 जून 2021, उसने इस दिन डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यू, अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो इस केस में मिस्टर वाई क्या करेगा, जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया ना कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो विद इन 7 डेज, जिस दिन मिस्टर वाई ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, तो विद इन 15 डेज
डेट से जिस दिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट, जब उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ बंद, उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर को नोटिस सेंड करेगा किस चीज के रिगार्डिंग कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, और उसे ये 15 दिन के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ डिस्काउंटिंग। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो 15 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई नोटिस नहीं भेज रहा, तो उस कंडीशन में मिस्टर वाई के ऊपर पेनल्टी लगेगी। अभी पेनल्टी किस सेक्शन के अंदर लगेगी, सेक्शन 272A पेनल्टी लगेगी अगर मिस्टर वाई जो है असेसिंग ऑफिसर को नोटिस नहीं भेजा 15 दिन के अंदर अंदर, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी सेक्शन 272A। इसके अंदर कितने पेनल्टी है, 100 रुपीज पर डे। जब तक आप नोटिस नहीं भेजते असेसिंग ऑफिसर को, पर डे के हिसाब से 100 रुपीज मिस्टर वाई के ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा, उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। सेकेंड आपको क्या ध्यान में रखना है, असेसिंग ऑफिसर क्या कहते हैं मिस्टर वाई को, आप अपना बिजनेस बंद कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 7 डेज के अंदर अंदर हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर कहता है मिस्टर वाई को कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें क्या दे दो, आप रिटर्न दे दो, जो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना बिजनेस क्या किया है बंद किया है, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के हमें क्या दे दो, रिटर्न फाइल कर दो। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है ना कि 7 दिन से ज्यादा का टाइम मिस्टर वाई को असेसी को देना चाहिए, अगर जेन्युइन रीजन अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है, तो ये टाइम पीरियड बढ़ा भी सकते हैं। तभी तो बोला था कि असेसिंग ऑफिसर के पास कैसी पावर्स होती है, डिस्क्रिशनरी पावर, वो अपनी सूझबूझ से जो भी उसके सामने कंडीशन है जो सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। असेसमेंट कैसे करेगा असेसिंग ऑफिसर, जैसे मिस्टर वाई है, इसने अपना बिजनेस कब बंद किया था, 30 जून 2021 में, यही एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया था ना। तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट कैसे करेगा, देखो 30 जून 2021 ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा बना, 21-22, जो प्रीवियस ईयर है वो क्या बनेगा, 20-21, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी उस पर टैक्स लगेगा नेक्स्ट ईयर में, जो कि हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा बना, 21-22 में, जो 21-22 में 21-22 में जो से रेट्स एप्लीकेबल है उस रेट से इस इनकम पर उसे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। क्लियर है ये। और जो ये वाली इनकम है 1 अप्रैल 2021 से लेके जब आप अपना बिजनेस क्या कर रहे हो डिसकंटिन्यू कर रहे हो 30 जून 2021, जो इस पीरियड की इनकम है ना इस पर क्या लगेगा, टैक्स। किस रेट से लगेगा, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिस ईयर में आपका बिजनेस क्या हो रहा है डिसकंटिन्यू, यानी कि 21-22 में एडवांस टैक्स रेट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिस ईयर आपने अपना बिजनेस क्या किया डिसकंटिन्यू किया, तो आप उसमें क्या करोगे, एडवांस टैक्स, यानी कि उसी साल की इनकम पर उसी ईयर आप क्या पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो। तो इसमें क्या कर रहा है असेसिंग ऑफिसर, एक ही असेसमेंट ईयर में जो कि हमारा क्या 21-22, असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, दो असेसमेंट कर रहा है, एक तो ये 20-21 की, और जिस दिन आपका बिजनेस क्या हो रहा है डिसकंटिन्यू हो रहा है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की एडवांस टैक्स जो प्रिस्क्राइब रेट्स है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है। क्लियर है। इनकम ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन होता है, वो पर्सन होता है जिसके हाथ में इनकम क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। क्लियर है।
तो अगर आप अपना बिजनेस क्या कर दिया, आपने बंद कर दिया है, और बिजनेस बंद करने के बाद अगर कोई इनकम आपको क्या होती है, रिसीव होती है, तो आप ये मानोगे कि अगर वो इनकम, अगर आप अपना बिजनेस बंद ना करते, तो वो इनकम किस में इंक्लूड होती है? आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होती है, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता। तो अगर आप कोई ऐसी इनकम रिसीव हो रही है, तो वो इनकम क्या मानी जाएगी? आपकी रेवेन्यू रिसीव मानकर आपकी इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम प्रोफेशन के केस में होता है, अगर प्रोफेशन आपने बंद कर दिया और उसके बाद कोई इनकम अराइज हो रही है, तो वो इनकम जो है आप क्या मान लोगे, वो रिवेन्यू रिसीव की है, और उस इनकम को क्या करोगे, आपकी टोटल इनकम में वो इनकम इंक्लूड हो जाएगी, और उस पर आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। उस मिस्टर एक पर्सन है, वो प्रोफेशनल, उनके पास डिग्री है, क्लियर है। अगर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा, जो उसका लीगल हायर होगा ना, मिस्टर ए का, डेथ के बाद जो भी कोई भी इनकम अगर मिस्टर ए की रिसीव हुई, तो उसको किसके पास जाएगी, वो लीगल हायर के पास जाएगी, जो भी मिस्टर ए का क्या है, लीगल हायर। अगर मिस्टर ए अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहा है ना, तो वो जो इनकम रिसीव हुई उस लीगल हायर को, तो वो उसके किस में इंक्लूड हो जाएगी, उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, और लीगल हायर जो भी है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है मिस्टर ए को, उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, तो उसे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। सेक्शन 177, ये किसके रिगार्डिंग है, एसोसिएशन डिस्काउंट, ये किसके रिगार्डिंग है, एसोसिएशन डिसॉल्व। अगर आपका बिजनेस या फिर प्रोफेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एओपी द्वारा क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर काम करते हैं, कॉमन पर्पस होता है इनका, वो अपना बिजनेस जो है दो या दो से ज्यादा पर्सन्स है। पर्सन्स जो है अपने सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में आपने स्टडी कर रखा है कि पर्सन में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये सारे क्या होते हैं, पर्सन्स। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर आप एओपी द्वारा अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप डिसकंटिन्यू, अगर आप अपना बिजनेस क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो असेसिंग ऑफिसर कैसे असेसमेंट करेगा, तो असेसिंग ऑफिसर इस सेक्शन के अंडर कैसे असेसमेंट करेगा, कि असेसिंग ऑफिसर कहता है कि, तो ये सेक्शन क्या कहता है कि असेसमेंट इस तरीके से की जाएगी असेसिंग ऑफिसर द्वारा, कि जैसे कि डिसकॉन्टिन्यूस हुआ ही नहीं था, कि आपका एओपी क्लोज हुआ ही नहीं, जो भी आप बिजनेस अपना रन कर रहे हो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के द्वारा, तो वो क्लोज हुआ ही नहीं, और जैसे नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई होते थे एसोसिएशन पर, सेम वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे, वैसे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि नॉर्मल एओपी पर टैक्स फाइंड आउट किया जाता था, उसकी टोटल इनकम निकाली जाती थी। तो ये सेक्शन क्या कहता है, 177, जब कोई भी एसोसिएशन डिसॉल्व हो रही है, तब असेसमेंट कैसे किया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ ही नहीं है, और जैसे कि नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई होते थे ना एओपी के ऊपर, सेम वैसे ही अप्लाई होंगे।